सो फाइनली दोस्तों, ये है MI का Redmi Note 5 और इंडियाज़ नंबर वन फ़ोन ये बन चुका है अब सैमसंग को बीट करके। और ये है ब्लैक 3GB और 32GB वाले का वेरिएंट। और मैं डब्बे की अगर साइड में देखूं तो कुछ खास इन्होंने नहीं इसमें दिया हुआ है, सिर्फ Redmi Note 5 लिखा हुआ है। पीछे अगर बात करूं तो इसमें लिखे हैं स्पेसिफिकेशन, Redmi Note 5 है, इसमें आपको मिलेगा ड्यूल सिम, स्टैंड बाय आपको मिलेगा और 5.99 इंचेस के अंदर आपको स्क्रीन मिलने वाली है, जिसके अंदर आपको 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा। फ्रंट सेल्फी लाइट इसके अंदर मिलेगी, 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, 4000 mAh की इसके अंदर मिलेगी बैटरी आपको और 625 का स्नैपड्रैगन का इसके अंदर आपको प्रोसेसर मिलेगा, जो 14 नैनोमीटर के ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। मेड इन इंडिया का जो है छाप इन्होंने लगा दी है। अब मेड इन इंडिया तो आप भी समझ सकते हैं, असेंबल्ड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया तो नहीं है। पैकेज के अंदर और क्या क्या मिलता है फटाफट इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं। तो दोस्तों ये भी निकाल देते हैं इसका। और सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो अगर पैक खोलते ही हमारे को ऊपर इसके अंदर मिलता है एक कवर, कवर की क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ, कवर की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि ब्लैक कलर का मेरा फ़ोन है तो उसके हिसाब से मुझे ये सिलिकॉन मिला है ब्लैक कलर का। और अगर देखने की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है, प्रीमियम क्वालिटी का मुझे लग रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो सीधा सामने फ़ोन आ जाता है। फ़ोन पहले से इजेक्टर टूल इसके अंदर आता था ऊपर, लेकिन अभी फ़ोन आ गया है। फ़ोन देखने में काफ़ी खूबसूरत है, ब्लैक कलर में है तो बेजल का इतना पता नहीं चल रहा है। अभी आगे अगर मैं बात करूं तो ये है मैनुअल, जिसे नॉर्मली कौन पढ़ता है। और मैनुअल्स को अगर मैं निकाल देता हूं तो इसके नीचे है केबल, केबल इसके अंदर अभी भी USB 2.0 की केबल है। आगे अगर बात करता हूं तो ये है सिम इजेक्टर टूल, इसके अलावा एक चार्जर, चार्जर की अगर बात करूं तो 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का ये चार्जर है, तो इट्स नॉट अ फास्ट चार्जर। और बस यही है अभी इस टोटल बॉक्स के अंदर, तो फटाफट इसको कर लेते हैं हम ऑन, पावर ऑन इसको कर लेते हैं। तो ये आ गया है MI का लोगो। जितनी देर में फ़ोन जो है बूटअप हो रहा है, इतनी देर में हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। 3.5 mm जैक जो है वो आपको ऊपर मिल जाता है इसके अंदर, साथ में आपको यू मिलेगा IR ब्लास्टर, अगर माइक की बात करूँ एक और मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिलेगा वॉल्यूम रॉकर, साथ में पावर बटन आपको मिल जाएगा। दूसरी साइड अगर बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ है सिम इजेक्टर टूल, बाकी कुछ नहीं है। नीचे अगर बात करूँ तो USB चार्जर और माइक आपको मिल जाएगा और इसके साथ स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे। बैक पैनल में बात करूँ तो यहाँ पर आपको फ्लैश मिल जाएगी, कैमरा ऊपर है और ये है फिंगरप्रिंट सेंसर और यहाँ पर MI का लोगो। MIUI का आपको मिलेगा, MIUI 9 का आपको मिलेगा इसके अंदर सपोर्ट। लैंग्वेज हम अपनी चूज़ कर लेते हैं, इंग्लिश इंडिया, साथ में हम आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आपने Redmi Note 5 आपने देखा, मैंने आपको स्पेसिफिकेशन डिटेल्स इसकी बता दी हैं और फ़ोन देखने में तो अच्छा है और नो डाउट इसकी डिस्प्ले क्वालिटी भी ठीक है, ब्राइटनेस भी इसके अंदर अच्छा है और पूरा दिन मैंने इसके अंदर काम किया है तो बैटरी यूज भी ठीक लगी मुझे इसकी, 4000 mAh की बैटरी। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आपका 2 दिन चल जाएगा, लेकिन अगर आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन को तो डेफिनेटली आप 1 दिन तो फिर भी इसके अंदर निकाल ही देंगे। जिस चीज़ में सेटिस्फाई नहीं हूँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसकी कैमरा क्वालिटी से मुझे काफ़ी उम्मीद थी, मतलब कैमरा से मुझे काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन कैमरा ने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। एक नॉर्मल सा कैमरा है, अगर आपको अच्छा कैमरा वाला फ़ोन चाहिए तो डेफिनेटली आप इसके लिए मत जाइएगा। दूसरी चीज़ जिससे मुझे डिसअपॉइंट करा, 625 का प्रोसेसर, Redmi Note 5 के अंदर भी 625 का प्रोसेसर है तो मुझे कुछ खास अपग्रेड इसके अंदर लगा नहीं। और डेफिनेटली मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जो 18:9 का बॉडी रेशियो है वो तो मुझे अच्छा लगा, दिखने में फ़ोन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हैंडी है, अगर मैं हाथ में पकड़ता हूँ काफ़ी ग्रिप मेरे को ठीक आ रही है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लग रहा है, ना ही छोटा है ना ही बड़ा है, तो ठीक ठाक सा ही फ़ोन है अगर इसको मैं यूज़ करता हूँ। फ्रंट कैमरे की अगर बात करता हूँ, फ्रंट कैमरे में एक कोई बुके इफेक्ट तो है नहीं इसके अंदर, लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक टॉर्च चलाता हूँ, जो शायद आपको टॉर्च इसके अंदर दिख रही होगी अभी ये चलती हुई, इससे कुछ खास फ़र्क पड़ नहीं रहा दोस्तों। अगर मैं पिक्चर क्वालिटी की अगर बात करूँ तो इसको अगर मैं नहीं भी ऑन करता हूँ तब भी मुझे कुछ खास इसके अंदर फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, अगर मैं इसको ऑन करके कहीं बिल्कुल ही अंधेरे वाली जगह पर अगर पिक्चर क्लिक करता हूँ तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन थोड़ी सी जूम करता हूँ तो पिक्चर बिल्कुल फट जाती है, बिल्कुल ख़राब पिक्चर हो जाती है।
तो नोट 5 अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपको नोट 5 प्रो नहीं मिल रहा है तो आप नोट 5 के लिए जा सकते हैं। कोई मतलब कि नोट 4 से अगर मैं बात करूं तो कोई अमेजिंग वर्ड अगर मैं बोलूं तो वो तो नहीं है, वो तो नोट 5 प्रो के लिए मैं यूज़ कर सकता हूं, लेकिन नोट 5 के लिए तो मेरे पास कोई अमेजिंग जैसा वर्ड तो नहीं है। 3/32 का जो वेरियंट है वो आपको करीब 10,000 रुपये का मिलेगा, और 4/64 का जो मतलब 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला जो ऑप्शन है वो आपको करीब 12,000 रुपये का मिलेगा। तो मेरा आपको यही कहना है कि अगर आप 12,000 वाला वेरिएंट पे जा रहे हैं तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके आप फिर नोट 5 प्रो की तरफ चले जाइए। अदरवाइज़ अगर आपको नोट 5 प्रो नहीं मिल रहा है तो आप 3GB 32GB वाला वेरिएंट इसके अंदर ले सकते हैं जो कि 10,000 के करीब आपको मिलेगा। तो 10,000 में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, डेफिनेटली 10,000 रुपये में अगर आपको नोट 5 मिल रहा है तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। 4GB 64GB की जगह आप नोट 5 प्रो पे जा सकते हैं। दोस्तों ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है जो मेरे को लगा ये फ़ोन यूज़ करने के बाद। हो सकता है ओपिनियन आपका कुछ और हो, क्योंकि मैंने फ़ोन को यूज़ किया एक दिन, मुझे जैसा फील आया मैंने आपके साथ शेयर करा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपने वीडियो को नहीं किया लाइक तो लाइक कर दीजिए, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो कर दीजिए शेयर। मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।